सीमास किचन में आज क्रीम चीज पफ पेस्ट्री बनाना सिखा रहे हैं। क्रीम चीज पफ पेस्ट्री बनाने के लिए जरूरत होगी कंडेंस मिल्क की। इसका हम जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ये फ्रेश क्रीम है, क्यूब शेप्स में है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। पफ पेस्ट्री है ये तीनों चीज़ें आपको किसी भी हाइपरमार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और सेवइयों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले पफ पेस्ट्री लूँगी, इसको मैं डिफ्रीज कर चुकी हूँ। इसके मैं चार हिस्से करूँगी बराबर के। इसी तरह मैं बाकी पफ पेस्ट्रीज भी काट लूँगी। ये मैंने क्रीम चीज़ ली है, इसको मैं सबसे पहले सब सारी खोल लूँगी। पफ पेस्ट्री की तरह मैं ये क्रीम चीज़ को भी मैं चार हिस्सों में कर लूँगी, काटूँगी बराबर के चार हिस्से। इसके बाद मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है, अब मैं इस पर बटर लगा लूँगी। अनसॉल्टेड बटर है ये। ये जो मैंने पफ पेस्ट्री काटे हुए थे, अब मैं ये लेती जाऊंगी और इस बेकिंग ट्रे पर लगाती जाऊंगी। पफ पेस्ट्री लगाने के बाद अब मैं इस पर चीज़ रखती जाऊंगी, जो पीसेस मैंने काटे थे। एक और इंग्रेडिएंट मैंने सेवइयां बताई थी, मैंने थोड़ी सी ली हैं। अब मैं क्या करूंगी, इनको तोड़ूंगी और ये इसके ऊपर डालती जाऊंगी। प्री हीट अवन में अब मैं इसको बेक करूंगी। क्रीम चीज़ पफ पेस्ट्री बेक हो चुकी है, अब मैं क्या करूंगी, इस पर मैं एक टीस्पून की मदद से इस पर कंडेंस मिल्क डालूंगी। और ये गरम गरम है, अभी अभी मैंने इनको निकाला है, इस पर गरम गरम पर ही कंडेंस मिल्क डालना है। क्रीम चीज़ पफ पेस्ट्री तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।